तुमने तो स्टोर रूम पे कभी ताला नहीं देखा। ताला किसने लगाया? करें कैसे खोलें? ओए चार्ली। हाँ जी। इसकी चाबी ले गया जल्दी। करण भैया वो तो चाबी मासी जी के पास रहती पूरे घर की। कहो तो ले आओ। नहीं रहने दो। तू जा। कैसे खोले दरवाजा? जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए मासी जी। हाँ माँ, वो आपने फोन किया था, देखा नहीं मुझे। क्या हुआ माँ? दुष्यंत, इससे पहले की हालात और बिगड़े, ये आभा बाजी हमारे हाथ से मार ले जाए, प्रतिभा को वहां से हटाना पड़ेगा। बिल्ली भी हो सकती है। अंदर कोई है? कैसे खोले? क्या करें आप दादाजी? क्या बदतमीजी है? चाबी हीरोइन क्या है? तू कभी भाड़े पे रही है? नहीं ना, मकान मालिक के साथ रोज झिक 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 होती थी भाड़े को लेके, तो साला ताला मार देता था, अपने को बाहर रहना पड़ता था, इसीलिए पिन से ताला खोलने की प्रैक्टिस हो गई। भगवान, मैंने जो भी किया एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाने के लिए किया। मैं मानता हूं मैं अपनी पत्नी और बेटे का कसूरवार हूं। वो दोनों जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे उनसे मिला दो भगवान। सॉरी, जल्दी करिए ना। कहीं वो आभा प्रतिभा को ढूंढ ना ले।
तुमने आवाज सुनी थी? मम्मी, कबाड़ का म्यूजियम है भाई ये तो। हमने आवाज सुनी थी। चल चल जल्दी चल। थैंक्स। दिल बहुत कोमल होता है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। दुनिया सच ही कहती है बुआ जी, अगर आपने सांस भर ली होती ना तो ये आभा के चेहरे पर फैल जाता। बेटा आज आरती तुम ही शुरू करो, आजा। अरे आ ना, आज आरती की शुरुआत तू ही कर। आभा, करण को आरती की थाली दो। माँ शेरावाली आती है मुझे गालू? नहीं, वो नहीं चलेगा। आरती की डील नहीं की हमने। आप लोग करो, नहीं आप लोग करो, मैं करता हूँ। राम, अबे इधर आ। हम आरती कर देते। अच्छा सुनो, मैं वो उस खिड़की से अंदर आया था, आप भी मेरे साथ उसी खिड़की से बाहर चलेंगे। हाँ चलिए चलिए। तू क्या इंप्रोवाइज करता है, मस्त एक सीक्रेट तो बनती है। तेरे जैसे इंटेलिजेंट एक्टर्स और होंगे ना इंडस्ट्री में। इधर पिएगा भाई, चीख चीख करेगी। गोडाउन में चलते को। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बना।
आप यहीं रुको, यहीं है, यहीं रुको, मैं इसे हटा कर आता हूँ। साला इतने बड़े घर में 25 नहीं है। कन्नू तू आ गया बेटा, मेरा कन्नू, जिसे तुम खोज रही हो ना आभा, वो खुशी में तुम्हें कभी हासिल नहीं होने दोगे। और जो घिनौना काम आप करना चाहती हैं, वो हम कभी होने नहीं देंगे। अच्छा देखते हैं।
बड़ा पोस्टर निकला हीरो। कैसी हो? कहाँ चली गई थी? बेटा, अब हमें छोड़ के मत जाना माँ। आप बहुत अकेले हो जाते हैं माँ। आप कहीं नहीं जाना। नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ अपनी माँ से बिछड़ने का गम क्या होता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार तुम्हें खो देता मैं जी नहीं पाता प्रतिभा। मेरी जिंदगी में वापस आकर मुझे जीने का नया मकसद दिया है तुमने। शायद ऐसे जाना नहीं लिखा है मेरे नसीब में। बहुत सारी बातें अधूरी हैं हमारे बीच। मुझे आपसे बातें करनी है बहुत सारी। क्या कहा था आपने? ये तो वक्त ही बताएगा आपा। बता दिया ना वक्त ने। मासी जी, माँ माँ, वो प्रतिभा भाग गई।
इम्तिहान लोगी। इस बार तुम नहीं मिलती तो शायद मैं अपनी जान दे देता प्रतिभा। इतने साल बच्चों के बगैर कैसे रही हूँ नहीं जानती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। प्रतिभा अब हम सब साथ हैं ना। पहले मेरी बात सुनिए, किसकी बात करूँ, अपनी या गैरों की? अपनों की प्रतिभा। तो बताइए केस नंबर 777 का इंसाफ मुझे कब मिलेगा? प्रतिभा तुम? मुझे सब कुछ पता है, दाई बने सब कुछ बता दिया मुझे आश्रम ने। तुम थी जो मुझे चिट्ठियां भेजा करती थी, मैसेजेस भेजा करती थी, और वो किताब, ये सब तुमने किया है। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। पैसे दे दो ना टाइम पे, थैंक यू हो जाएगा। अकेले पैसे से हम ये काम नहीं कर पाते, आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। अब माँ और स्वर्ण भवन दोनों हमारे पास हैं, बस करण का पता लगाना है। और पापा ने करण को जो काम सौंपा था वो पूरा करना है। रणछोड़ के बारे में पता लगाना है। तुमको पता रणछोड़ क्या कहता है? मान था मुझे आपकी सच्चाई पर, जब रंजीत भैया ने आपसे झूठा केस लड़वाने के लिए कहा तो मैंने इनकार कर दिया, और आपने इतना बड़ा छल किया, अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए पैदा होते ही मेरे बेटे को मुझसे पूछे बिना आपने किसी और के हवाले कर दिया। पता नहीं कहाँ होगा वो, कैसा दिखता होगा, किस हालत में होगा मेरा रणछोड़। रणछोड़? आप? शकल देख अपनी, रोना मत। थ्री इडियट्स नहीं देखी तूने? थ्री इडियट्स हीरो का क्या नाम है, क्या बोलता है वो, All is well. सब ठीक हो जाएगा रे, फालतू टेंशन लेती है तू। कहिए कोई जवाब है आपके पास मेरे सवालों का? जवाब दीजिए। चुप क्यों है आप? जवाब दीजिए। आप क्या आप लौटा सकते हैं वो खुशियां, मेरा बच्चा और वो समय जो मैंने उसके बगैर बिताया है, क्या दे सकते हैं आप? जवाब दीजिए। काश आपने समझा होता माँ और बच्चे के जज्बातों को। वाइफ ना जज्बाती होके नहीं जीनेगा, जोकर की तरह जीनेगा। जितना लाइफ में तू जज्बाती होएगी ना, लाइफ तेरी उतनी ही बजेगी। चल तेरे को एक टिप देता हूं फ्री, तेरा ये जितना भी लफड़ा है ना, ये सब अपने बुड्ढे ससुर को बोल डाल।
देख, वो बहुत शाना दिखता है, वो सब कुछ मस्त तरीके से हैंडल कर लेगा। तू साला इधर उधर दुनिया भर की बातें करती रहती है, पॉइंट पे आती नहीं है, समझी? जा बोल। हम तो कब का बता देते, पर अगर हमने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि आप करण नहीं हो। करण जिंदा है ये देखकर ही तो मासी इतना डर रही है। बहुत शातिर दिमाग है उनका, किसी भी हद तक जा सकती है। अरे मेरी माँ, जब तेरे को इतना भरोसा है कि तेरा पति जिंदा है तो टेंशन क्यों लेती है? जब तक ये साबित नहीं होता कि उसका पैकअप हो गया। ऐसा मतलब प्रूफ नहीं है ना? तो जब तक वो वापस नहीं आ जाता तो उसके यहाँ पे ना रहने से उसकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी थोड़ी कोई ले सकता है इसे। और तेरा बुड्ढा ससुर वकील है, वकील बहुत एक्सपीरियंस है, उसको संभाल लेगा। चल एक काम करते हैं, तू ना अपनी बात तरीके से बता, तू मेरे बारे में कुछ मत बता, मैं कर, लेकिन बाकी तो बोल उसको जाके। सब लोग सारा इतनी टेंशन में घूमते रहते, कुछ तो टेंशन कम होगा क्या? पर फिर कुछ नहीं, चल अरे चल ना, तेरे काम के लिए जा रहा हूं, चल चल चल। अब ये प्रतिभा सब सच सच उगल देगी इनके सामने। उगल देगी? हैं? अब तक तो बहुत कुछ उसने उगल दिया होगा। पुलिस चौकी तो नहीं ले जाएंगे ना हम लोग? चुप कर, आंखों देखा हाल सुनाने से अच्छा है जाकर अपना सामान बांधो, क्योंकि अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चलिए चलिए, कह रही है सामान बांध, ये जल्दी आप भी ना। आपने एक दिन के बच्चे को उसकी मां से अलग करके बहुत बड़ा पाप किया है। पति है आप मेरे, एक बार पूछ तो लिया होता, मैं सवाल नहीं करती। इतने साल बाद मैं घर आई, अधूरा है मेरा परिवार, मेरे बच्चे ये भी नहीं जानते कि उनका एक और भाई भी है। अगर कल रात छोड़ आपसे पूछेगा, सवाल करेगा तो क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत भी करती हूँ। कल वो मुझे भी सवाल करेगा, मुझे दोषी ठहराएगा, मैं सबको सह लूंगी, लेकिन मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, उसे वापस लाइए, मेरा बेटा वापस लाइए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा वापस लाइए। करण, डॉक्टर बत्रा को फोन लगाओ जल्दी। हाँ डॉक्टर। हम कर लेते हैं, अब तो खुद को
पुलिस से बचाने के लिए हमें इस घर से भागना ही पड़ेगा। मासी, पापा को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर सब आते होंगे। अरे ये अचानक क्या हो गया? ऐसा क्या बता दिया प्रतिभा ने जो उन्हें हार्ट अटैक आ गया? मेरे ख्याल से अब सामान बांधने की हमें जरूरत नहीं। पापा ठीक तो है? क्या क्या हुआ, क्या था? डोंट वरी विमल, बस यूं समझ लो कि एक आखिरी वार्निंग थी। ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे इनको स्ट्रेस। अभी इन्हें आराम करने दो और ज्यादातर खुश रखने की कोशिश करो। अच्छा मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब को छोड़ के चले गए। यहां से चुपचाप निकल जाने में ही भलाई है, कहीं उस दिन की भड़ास ना निकाल ले। अरे मर गया। पहुंचे सर। लेकिन करण तो सिगरेट नहीं पीता था। अबे माचिस नहीं, लाइटर है। लाइटर है। शायद कुछ ज्यादा ही टेंशन है इसलिए पी रहा है। नल्ला लाइटर है। अपने बीच जो हुआ किसी को बोलना मत। शायद उसी दिन की बात कर रहा है। हाँ, मैं भला क्यों किसी को इसके बारे में बताऊंगा। इस घर में ना बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत लोचा है साला। करण तो मुझसे इतने आराम से, इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है? अरे वो तो दूसरा श्रवण कुमार था और ये बाप के बीमार होने पर सिगरेट पी रहा है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। करण, मेरे पास एक रामबाण इलाज है। क्या? लेकिन तुझे ठीक नहीं लगेगा। बता ना क्या। देख, मेरे पास अंग्रेजी है, मेरे पास ठंडी बियर भी है, लेकिन तू थोड़े ना पिएगा, है ना? सिंदूर वाली बोली पीने का नहीं, पीने का नहीं। लेकिन दो बियर में क्या होगा? बियर दारू थोड़ी होती है। ये बियर दारू थोड़ी होती है। एक्सेल्ट मत हो, शक हो जाएगा। बहुत तकलीफ होती है मुझे पापा को देखकर। मेरे
अंदर से दुख नहीं देखा जाता है, इसी में सही सो जाता है, वैसे दुख नहीं देखा जाता है, बहुत करण भैया ऐसा नहीं होता करण भैया, बहुत दुख होता है मुझे, तुझे क्या मालूम यार। बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख है। करण भैया बहुत टेंशन लग रही है ना आपको देख के, आप अपने पापा के लिए तुम्हारा एक बॉटल से क्या होगा है ना, क्या होगा, एक काम करते हैं, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, पिक्चर दिखाएगा, पिक्चर हाँ बहुत सारी पिक्चर दिखाऊंगा, साथ में ठंडी बियर, ठीक है चलो चलो, सिनेमा देखने जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, चलिए चलिए, भाभी है तुम्हारी करण, इधर आओ सिनेमा, देखो मैं करण को शीशे में उतारने बाहर ले जा रहा हूँ समझी, तुम यही रहना ध्यान रखो, हम चलते हैं, जाइए जाइए, चलो चलो करण चलो, सिद्धार्थ कहाँ चले गए करण, क्या किया तुमने, क्या मतलब, चल 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 बस खींचा चला आया, आओ ना कुमार, बिना बताए कहाँ चले गए सिद्धार्थ जी, कहीं मासी ने ज्यादा पैसे का लालच देकर उन्हें अपनी तरफ तो नहीं कर लिया, कहीं सिद्धार्थ जी कुछ उगल ना दे, तू सही है, सही हो ना, तू सही है, बाकी सब नशाले इस घर में सिर होते रहते हैं, चीख 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 कैसे रहते हो तुम लोग साला इतनी टेंशन में यार, पर तू सही यार, थैंक यू, तू मेरे को इधर लाया था, थैंक यू, अरे करण भाई थैंक यू कैसा है यार, एक एक छोटी बियर के लिए थैंक यू बोल रहे, अरे जितनी पीनी है उतनी पियो, आज इसे सारी सच्चाई उगलवा के रहूंगा, इन्हें सही समय पर दिल का दौरा पड़ा है, शायद भगवान मुझे एक मौका और देना चाहते हैं, इनकी इतनी नाजुक हालत में कम से कम कुछ दिन तो आभा और प्रतिभा अपना मुंह नहीं खोलेंगी, मुझे कुछ सोचना होगा, इस मौके का फायदा उठाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा, देवयानी है? दुष्यंत कहाँ है? है वो सनीमा गए हैं वो करण के साथ, अगर सिद्धार्थ जी ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी तो नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, देखो बताए ये जिंदगी है, हीरो लोग की लाइफ, तू मुंबई गया कभी? कभी नहीं गया, मुंबई नहीं गया, मुंबई जन्नत है मेरी जान, जन्नत मुंबई है मेरी लाइफ, मुंबई का किंग कौन, अरे 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 करण भाई इधर इधर बैठो, अरे बैठ रहे ना, बैठो ना, क्या आराम से बैठो, आराम से, ड्राइवर प्लीज जल्दी चलिए प्लीज, ड्राइवर जल्दी चलो भाई, भाई क्वेश्चन है,
पूछ 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 गिव करण जो था वो तो मर गया था ना, जिंदा कैसे हो गया? कैसे जिंदा हो गया? बैठ भाई, ये साले भाई भाई मेरे लिए जान दे। सीक्रेट है सीक्रेट सीक्रेट, लेकिन तू भाई अपना भाई है। सीक्रेट है, मैं कोई करण वरण नहीं हूं। करण नहीं हुआ है myself. Siddharth Kumar, junior artist from Mumbai. Yes, sale, bondu ghar wale. Ye log mere kuch nahi rakhte. Koi rishta vishta nahi hai mera. मेरे को तो बहुत सिंदूर वाली उठा के भाई 500 रुपया एक घंटा, 10 दिन तक उसके वो चोमू पति की एक्टिंग करने का, उसके बाद आएगा।